क्रोमाइट मैंगानीज जिते खनि पट्टा दि जा गत दस वर्ष है जो मान खनि पट्टा समय सीमा सरी से निर्माण जो मैंने आप्लिकेसन देप्लिकेसन को बर्तमान सुधा राज्य सरकार से पब्लिक सेक्टर हो कि प्राइवेट माइंस ओनर हूँ से समस्ते ऑपरेट कर प्राय 70-80% माइन ऑपरेटर करीएम टू प्रोविजन अर्थात रिन्यूअल फॉर्मली करा जाए ना कि जेहेतु फॉर्मली करा जाए ना गोटे क्लॉज अच्छी एम एम एफ डी आर एक्ट में से प्रोविजन को से व्यवहार करवहार करके लिस्ट को आज देखिपारे कि प्राय 70-80% माइंस ऑपरेटर्स ये संपर्क रिन्यूअल पाइना रिन्यूअल नपाइबार मुख्य कारण ये थोड़े ठीक भाव डी जो गुटे डी लिखा है से गुटा डीम रिन्यूअल बोली जो ब्रैकेट साइड जो डी लिखा है कथा मुझे मुख्यमंत्री की पचारी ये जो प्राइवेट माइंस ऑपरेटर किसी पब्लिक सेक्टर भी जहाँ अच्छा जो पब्लिक सेक्टर को भी रिन्यूअल दि जाए ना रिन्यूअल संपर्क में आपको कही रखे तुम लाइन ना बोला भाव मुख्य कारण पब्लिक सेक्टर कहते पब्लिक सेक्टर रिन्यूअल भी राज्य सरकार देना स्वाभाविक भाव पब्लिक सेक्टर को दबार कौन असुविधा न था कि प्राइवेट सेक्टर जो कि एक्सेस माइनिंग करेंगे एनवायरमेंटल क्लीयरेंस नु डीम रिन्यूअल से व्यापक भाव माइनिंग ऑपरेशन इलीगल माइंस हिसाब से नि से माइंस ऑपरेशन लिखी अति कम रे इकोनॉमिक सर्वे राज्य सरकार कौन प्रति वर्ष 11-12 जो इकोनॉमिक सर्वे नहीं आप देखिए 800 लक्ष कोटी टन 800 लक्ष टन अर्थात 8 कोटी टन 10-11 मानते उत्तोलन कर 11-12 भी सेमती 800 लक्ष टन 2003 रु 11-12 जाए 12-13 पर्यंत एवरेज 5 कोटी जदि एवरेज 5 कोटी धरा जाए 8 कोटी कारण तीन चार 4 कोटी पांच कोटी एवरेज 50 कोटी 2003 रु आज भितर 50 कोटी ऊर्ध ऑफिशियली रेज नॉन ऑफिशियली द टीम क्लॉज रखला परे 50 कोटी टन से चित्र लिखी एवं जहाँ एवं इलीगल माइन ऑपरेशन स्वाभाविक भाव जो देखा जाऊँगी जे ये भी स्टेक्स है वाले 50 कोटी टन रु कम हुए यदि 50 कोटी टन रो मार्केट वैल्यू को दिया जाए इन एन एवरेज एवं ताकि यदि आम डिडक्ट करवा रॉयल्टी एवं तथा माइनिंग कॉस्ट एक्स माइंस प्राइस आज डेट रे एक्स माइंस प्राइस हो 6,500 रु 7,000 टका गोटे टन एक्स माइंस प्राइस लुहापथ अर्थात गोटे एवरेज जदि जीवे अति कम 4,000 टका गोटे टन रे रॉयल्टी माइनिंग कॉस्ट एंड एवरीथिंग एट ए हायर साइड जदि रखिबे भी तले मिनिमम 4,000 टका गोटे टन रे प्रॉफिट एवं ये जो 50 कोटी टन रो उत्तोलन बजार को जाते अति कम रे ओवर दिस पीरियड टोटल वैल्यू द प्रॉफिट वुड हैव बीन 2,00,000 कोटी दिस इज नॉट लिखिली दिस इज नॉट ए प्रेजम्प्टिव लॉस दिस इज रियलिटी लॉस टू द एक्सचेंज यस हिसाब को देखो एवं दिस इज ऑफिशियल दिस इज ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल बिकॉज़ ऑफ द डीम प्रोविजन
has really helped the mining operators to engage themselves to exploit more without paying the royalty, which has been recently announced to ad honorem, and finally they are successful and getting another more profit, and without showing to on records, they are also equally exploiting the same amount of, I don't know, to say like calculate to see that the अति कम रे 100 कोटि during this 2003 and 4 till now, total exploitation or exploration or extraction is more than 100 lakh tons. जदि एक ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन हाथ को था नॉट इवन 10% ऑफ द ओर इज इन पब्लिक सेक्टर 90% ऑफ द ओर इज इन द प्राइवेट सेक्टर द प्राइवेट सेक्टर बेनिफिट हैज गॉन टू 4 लाख टन से लेकिन हिसाब करके देखले आई एम कमिंग टू प्रोमाइड नेक्स्ट चैप्टर द प्रोमाइड द इकोनॉमिक सर्वे 11 12 से 41,71,000 टन 11 12 वर्षीय उत्तोलन है जो किंदा वैल्यू 41.47 lakh tons. The same amount is also almost the same amount of the last year and previous to previous year. This has also gotiye ton bromide ra bazar ra dam adi hochi 17,000 taka. अरे प्रोमाइड बिक्री बाजार रे 17,000 टका दैट इज लोकेट एनरिच्ड प्रोमाइड एट द पारादीप पोर्ट बीइंग एक्सपोर्टेड इज द वैल्यू इज 17,000 रुपीस द लंप इज मोर देन दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोमाइड ऑफ कॉस्ट ऑफ द प्रोमाइड ऑफ माइनिंग एंड रॉयल्टी कॉस्ट विल नॉट गो मोर देन 3,000 रुपीस दैट द हायर साइड मतलब 10,000 टका रे प्रॉफिट को यदि आपण कैप करिवे ताले गोटे वर्ष दिस प्राइवेट माइंस ओनर हैज कॉर्नर्ड 5,000 क्रोर्स एंड हियर इज ए 5,000 क्रोर्स सब्सिडाइज रॉ मेटेरियल देन क्लब्ड विथ ए इलेक्ट्रिसिटी एट ए लो कॉस्ट कोल प्राइस द कैप्टिव कोल प्राइस एंड गोइंग फॉर दिस चार्ज फ्रॉम एंड फेरोक्रोम द सेलिंग एट द मार्केट प्राइस हुज प्राइस इज नॉट लेस देन 70,000 रुपीज पर टन Imagine the kind of profit. The bromide is another big chapter on which we have to ponder ourselves that what requires here is a strategic ore. 100% ore of the India is available in Odisha and that too in Sukinda Valley, around Sukinda Valley. So it should not be over-exploited, and whatever is exploited, it should be exploited at a manner with the best of the benefit must come to the state. ताको कंपाइल कला परे मुझे देखिले जे टोटली जदि आपण ए जो 2003-04 रु 11-12 भीतर टिल नाउ द टोटल वैल्यू केवल 25 रु 30 जन बड़ा व्यवसायिक हाथ को जाय अति कम रे आयरन ओर रे 4 लाख कोटि एवं इथरे प्राय 50,000 रु अधिक कोटि टंका सब जाय सर्कुलेटिंग से कहली जदि आपको भारत ओडार लोक संख्या हाउस होल्ड होती 80 लक्ष जदि 4 लक्ष केवल आयरन को डिवाइड कर दिया जाए वर्ष को ये 4,000 टाइम पर फैमिली पाई ओवर दिस पीरियड दे हैव लॉस्ट नियरली 4 लाख रुपीज पर फैमिली इफ यू डिवाइड दिस बेनिफिट विद द टोटल हाउस होल्ड ऑफ ओडिशा इट इज 80 लाख फैमिलीज 80 लक्ष फैमिली भितर डिवाइड करिवे ताले अति कम 40,000 टका वर्ष को तांको फैमिली लॉस कर पर ईच फैमिली हैज लॉस एंड ओवर दिस 10 इयर्स टाइम दे हैव लॉस नियरली 4 लाख रुपीस पर हाउसहोल्ड दिस इज रियली माइंड बॉगलिंग ओडिशा इज मुसेले कॉलेज गोवा एंड कर्नाटक जो स्कैम हुई थी से स्कैम किचन पिनर्स कंपेयर टू ओडिशा सो दैट माय क्वेश्चन वाज सिंपल व्हाई दिस डिम प्रोविजन हैज बीन यूज्ड एंड व्हाई नॉट आइदर यू कैंसिल इट और यू टेक इट ओवर बाय ओएमसी एंड व्हाई आर यू हैंगिंग ऑन विद दिस क्लॉज
the yes will renew it or not renew it by this kind of, for last 10 years, not a single renewal has been taken place, and this is because there is a blank belly in between. So unless there is a nexus between the state and the mines owners, private mines owner, this is not possible. This nexus has to be explored. And I am going to bring this matter to the entire nation. Now look, Orissa is the Orissa government. When I said 35 kg rice to 40 lakh BPL families, I was told that the minister in charge said, no, our BPL families are more. Our BPL families is 60 lakh families. Out of 80 lakhs, our family number is 60 lakhs. In the other hand, they say there is a GDP growth, and the GDP growth rate, I mean, कमेचु गरीब एफाकर अंपटे कहुची जे आम षाठी लक्ष पर तो 80 लक्ष पर षाठी लक्ष पर ओडिशा सरकार जुक्ति जदि बीपीएल ताले ए नाटक ए ए प्रकार व्यवस्था कौन पर राज्य लगे मुझे नवेदन करुरंत कैनसल कर जो प्राइवेट माइन सेपरेटर जो डीम्ड अच्छे इमिडियेटली कैनसल कर टेक इट ओवर एंड दिस क्लॉज हैज बीन जो रिन्यूअल क्लॉज भारत सरकार एमएमएफडी एक्ट आईन रे राज्य सरकार मान को दि जाए प्रोविजन रिन्यूअल करार अधिकार हो राज्य सरकार जदि से प्रकृत में काम करना ठीक भाव में ताको अलाउ करिया उचित में माइनिंग ऑपरेशन करिया पाई ताको कैंसल करिबा उचित मो दाबी बा मुदा पत्र लेके जे तुरंत ताको कैंसल करों को ओडिशा माइनिंग कॉर्पोरेशन हाथ को नियो स्टेट विल गेट नियरली 30,000 क्रोस मिनिमम फ्रॉम द आयरन ओर इटसेल्फ अपार्ट फ्रॉम बॉक्साइट क्रोमाइट एंड मैंगनीज तो ओडिशा कैन बी द रिचेस्ट स्टेट इन द कंट्री प्रोवाइडेड दिस एक्शन इज टेकन नाउ दिस बिडिंग प्रोसेस हैज स्टार्टेड फ्रॉम द कोल So let the chief minister say yes, he is in favor of this bidding process. Let him first take over the mines first. Why he is not cancelling this? But certainly more the today, apna man ko ek dekhi par ek man ko udesh chala ke list mu apna ko Delhi ek pay. Ye apna dekhi pari be. Ye mang ek otha ko je. जो डी मार्क करा है सब माइन्स जिते माइन्स अपरेटर अच्छा राज्य में समस्त लिस्ट अच्छे बक्साइड टू क्रोमाइड टू आयरन ओर टू आरंभ कर मैंगनीज टू आरंभ कर समस्त माइन्स वाला ना अच्छे केते एरिया नहीं तार ना अच्छे केते डीम्ड हिसाब से डी जो मार्क करा है डीम्ड बोली धर तो से तुरंत कैनसल करमिडियेटली पब्लिक सेक्टर अजथार गोटे केवल जस्टिफिकेशन देखिए मुझे चित्र लिखी ओनली टू जस्टिफाई पब्लिक सेक्टर को रिन्यूअल दौनु एम पब्लिक सेक्टर को देव पब्लिक सेक्टर को तुरंत रिन्यूअल देव प्राइवेट सेक्टर को कैनसल तो दिस इज ए फनी आप देखे जानपरेंगे पचरा जाए माइनिंग डिपार्टमेंट को मुख्यमंत्री प्रति कौन पर फुल रेस्पन्सिबल तो से सिंपल कथा हो जदि ये सेक्टर को केवल आयरन ओर को दि जाए राज्य में प्रत्येक परिवार वर्ष को अति कम 40,000 इत्यादि खाली टाँचा बांट दिए 30,000 क्रोर पर एनम दैट मीन 30 जिला आम राज्य में 30 जिलों को 1,000 कोटी टाँग दे दियो प्रति ब्लक को 100 कोटी दे दियो गाँव में जो कुछ गाँव में आम इंदिरा आवास 3 घर पाइब कि 5 घर पाइब